गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा बदलेट टाइगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 10-15 दिन हुआ मैंने वीडियो डाला नहीं था, इतना टेंशन में है ना। कल इंडिया हार गया क्रिकेट मैच में, इतना टेंशन आ रहा। जब इंडिया किसी टीम से हारता है ना तो मुझे सारा रात मैं सो नहीं सकता हूँ, ये मेरा आदत है क्या। इसलिए मैंने क्रिकेट मैच को देखना ही छोड़ दिया। 2011 से मैं क्रिकेट मैच को एटलीस्ट मैं देखता ही नहीं हूँ। इस बार वर्ल्ड कप 2020 वर्ल्ड कप इसलिए मैंने देखा था। टेंशन है ना भाई, जितना बचपन से जितना दिन मैंने क्रिकेट मैच देखा था तो अच्छा मैच देखने को नहीं मिला था। एक भी विकेट ले नहीं सकता है इंडिया, एक भी विकेट ले नहीं पाया। इंग्लैंड ने जीत लिया मैच को, ये भी सेमीफाइनल में। कितना अच्छा फॉर्म में था इंडिया, बॉलिंग में हो, फील्डिंग में हो, बैटिंग लाइन में हो, कितना अच्छा था, जीत रहा था। इस बार पूरा 100% आशा किया था कि इंडिया जीत जाएगा इस बार वर्ल्ड कप में, 2020 वर्ल्ड कप में। हार गया, क्या करो, कोई बात नहीं, और ऐसा मैच आते रहेगा। लेकिन बहुत अफसोस और दुख हुआ कल का मैच को देखो। कम से कम तो 5 विकेट आउट के हारने से भी कुछ भी मतलब नहीं था, एक भी विकेट ले नहीं पाया भाई। ये है मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है क्रिकेट मैच में। क्या करो, कोई बात नहीं, हिंदुस्तान के सारे क्रिकेट प्लेयर को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आगे ऐसा मत करो, इससे बेटर खेलो, सीख लेना सही कहाँ पे गलती हुआ, कैसा गलती हुआ, किस बॉलर के वजह से ऐसा कंडीशन होना पड़ा, प्लीज ये सीख लेना सही। सीखना जरूरी है, हारने से दिल नर्वस नहीं करना चाहिए, हारने से नर्वस नहीं होना चाहिए, हारने से सीखना सही, ऐसा हो। ठीक है, रोहित शर्मा जी आगे समझ।